जैसे इमरान मलिक है जो यही गुजरनगर से खेल कर आज इंडिया की टीम में खेल रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इन बच्चों में से भी कोई कल इंडिया की टीम में खेलेगा। तमाम नौजवानों से अपील है कि प्लीज अपने स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे और अपने माँ बाप का नाम रोशन। नौजवानों को नशाखोरी से दूर रखने के लिए टीम दस्ते मददगार की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया है और वो इनिशिएटिव ये है कि अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज करवाया जा रहा है। और बहरहाल जिस जगह पर हम मौजूद है इसी जगह पर इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया जाएगा और अभी फिलहाल यहाँ पर सफाई वगैरह चल रही है और नौजवान तमाम तरह आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये वो तमाम तरह नौजवान हैं जो यहाँ पर इस क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। बहरहाल हम यहाँ के कारपोरेटर से पहले बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी टीमें इस क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी और किस मकसद से क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज करवाया जा रहा है। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि कब से यहाँ पर आप ये क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज करने जा रहे हैं? ये कल जो है 4 बजे जो है पहला मैच होगा, इसमें लगभग जो है 16 टीमें होंगी। हमारा एक ही मकसद है टूर्नामेंट करवाने का और आगे भी हम करवाते आए हैं। तो दस्ते मददगार जो इमरान शेख जी, हमारे राजा जी जो गोस्वामी यूथ के प्रेसिडेंट हैं और मैं खुद कॉरपोरेटर, हमारे ये दूसरे भाई भी मंगू जी, हम जो हैं चाहते हैं कि वार्ड नंबर 6 के अंदर जो है जो हमारी यूथ है स्पोर्ट्स में जो है ये हिस्सा ले, नशाखोरी से जो है दूर रहें। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि अपने वार्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को जो है खेल की तरफ ध्यान दें, ताकि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नशों से दूर रहकर अपनी सेहत बनाए, अपने देश का नाम रोशन करें। यहीं से जैसे इमरान मलिक है जो यहीं गुजरनगर से खेल कर आज इंडिया की टीम में खेल रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इन बच्चों में से भी कोई कल इंडिया की टीम में खेलेगा। और आने वाले टाइम में जो ये टूर्नामेंट है हम और भी करवाते रहेंगे। हमारी यही कोशिश रहेगी जो हमारे नौजवान हैं नशे से बाहर रहे और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती बनाकर रखें और जो है स्पोर्ट्स में वो है हिस्सा लें। टीम दस्ते मददगार के चेयरमैन शेख इमरान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप खुद से ये क्रिकेट टूर्नामेंट आगाज करवा रहे हैं या किसी और का तावन भी? सबसे पहले मोहिद्दीन चौधरी साहब वार्ड नंबर 6 के कॉरपोरेटर, इनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। इस टाइप के इनिशिएटिव में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प हमें करते हैं और खुदा इनको सलामत रखे। जो आज इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है हम इनको दाद देते हैं कि हमेशा इस काम में आगे आगे रहते हैं। मेन मकसद जो हमारा ये है कि मतलब टूर्नामेंट करवाने का, बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो कि इस समाज में जो है ड्रग्स का काफ़ी ज़्यादा आगाज हो रहा है। पिछली बार भी हमने एक इनिशिएटिव लिया था, उसमें हमारे DSP शरद साहब भी आए थे। बदकिस्मती से कॉरपोरेटर साहब उस टाइम हमारे साथ नहीं थे, ये सिलंगर गए थे, लेकिन हमने आपको दावत की थी तो उस टाइम भी उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। तो आज जो आप देख रहे हो सफाई वगैरह यहाँ पर चल रहा है, अंडर 19 का हमने ये जो टूर्नामेंट रखा है वो इसलिए कि जो हमारी जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे और अच्छे कामों में मुबतला हो जाए। कल एक वाकया हुआ था तो कुछ बच्चे जो थे वो ड्रग्स वगैरह ले रहे थे, तो हमने उसी टाइम अपने कॉर्पोरेटर साहब को फ़ोन किया, उसमें राजा जी भी शामिल है और तमाम जो बच्चे हैं इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। तो फिर हमने कल एक इनिशिएटिव लिया कि हम एक टूर्नामेंट यहाँ पे करेंगे जिसमें जो हमारे यंग जनरेशन जो है वो थोड़ा बहुत बिजी रहे। इसमें आज कॉर्पोरेटर साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं, इन्होंने आज जैसे भी वगैरह का अरेंज करवाया। आप जैसे देख रहे थे सुबह भी आप आए थे, सफाई वगैरह यहाँ पर चल रही है। तो इंशाल्लाह ताला कल मैच का पहला दिन है तो हम ये चाहते हैं कि गुजरनगर के बगैर भी और भी कहीं जगहों से अगर टीमें इसमें शामिल होना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं, वो हमेशा अच्छे काम की तरफ जाए। पिछली बार भी हमने यहाँ पे टूर्नामेंट किया था तो ऑर्गेनाइज उस टाइम भी राजा जी और कॉर्पोरेटर साहब भी थे और हमारी IPS मैम शीमा नबी भी आई थी और उसमें परवेज खांडे साहब भी आए थे, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई की थी बच्चों को कि जब भी आप कोई चीज़ करो तो अच्छी तरीके से जो है मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में आप ध्यान दें, इसमें क्या है कि नशे मुक्ति से आप लोग दूर रहते हैं। बिल्कुल, कितनी टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी और कितने दिन तक ये टूर्नामेंट चलेगा? अप्रोक्सीमेटली जैसे कॉर्पोरेटर साहब ने बोला 16 टीमें तो मिनिमम होगी, तो बाकी जितनी टीमें इसमें शामिल होना चाहेगी तो वो हमारे लिए बेहतर। अगर कोई इस क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होना चाहे उसे क्या करना होगा, उससे किस तरह से पता चलेगा, किससे उसको उससे बात करनी होगी ताकि वो यहाँ पर खेल पाए? हम अपने कॉर्पोरेटर साहब का भी नंबर देंगे, राजा जी का भी नंबर दे देंगे आपके चैनल के माध्यम से और अपना भी नंबर दे देंगे।
जिसको भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होगा तो वो आपके चैनल के माध्यम से हमें फ़ोन करें और हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला बैनर भी हम ये आज हमने सुबह ही इनिशिएटिव लिया, बैनर वगैरह भी हम छपा देंगे दो तीन ये आज, तो वो फिर डिस्प्ले वगैरह में लगवा देंगे। तो जिसको भी कॉन्टेक्ट करना होगा हम लोगों से रब्ता करेंगे। क्या मैसेज रहेगा नौजवानों के लिए, खासकर अगर हम इस वक्त पूरे जम्मू और कश्मीर की बात करें तो नौजवान लगातार ड्रग्स में मुलव्वस हो रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? एक माँ बाप जो अपने बच्चों को बड़ा करने में जी जान से मेहनत करता है, उसका बच्चा अगर खुदा न खास्ता किसी गलत एक्टिविटीज में शामिल होता है तो बहुत ही दुख की बात होती है। हम तमाम यंग जनरेशन से अपील करते हैं कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी इज्जत का ख्याल रखें, नशा मुक्ति से दूर रहे, ड्रग्स से दूर रहे, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है ड्रग्स की, एक बार अगर आपको लग गई तो फिर वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है। हमारे आंखों के सामने ना जाने कितने ही नौजवान, ना जाने कितने ही बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के गए। जिन माँ बापों से उनके बच्चे छीन गए, ये वही माँ बाप जानते हैं जिनके औलाद उनके सामने आज शामिल नहीं है। हम तमाम जम्मू कश्मीर से अपील करते हैं, उन माँ बापों से अपील करते हैं कि जब भी आपका बच्चा शाम को घर आता है उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच किया कीजिए कि वो कहीं गलत कामों में इन्वॉल्व तो नहीं है। समाज में जो बुजुर्ग रह रहे हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि अगर आप आसपास अगर कोई गलत एक्टिविटीज़ देखते हैं प्लीज़ आप पुलिस से रब्ता कीजिए, या आपके वार्ड में जो जितने भी कॉर्पोरेट रहे उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि जब तक वार्ड के कॉर्पोरेटर हो, वार्ड के बुजुर्ग बंदे जब तक इस काम को नहीं रोक सकते हैं तो समाज में ये जो गंद है ये कंट्रोल कभी भी नहीं हो सकता है। और ख़ासतौर पे उनसे अपील करते हैं, ये जो जम्मू कश्मीर जिन्होंने ये गंद फैलाई है ड्रग्स वगैरह को लेकर के, उनसे अपील करते हैं कि अगर आप किसी की बच्चे की जान में शामिल होते, अगर किसी के मतलब इसे बच्चे को खराब कर रहे हो, कल को आपकी भी औलाद हो सकती है, उसके साथ भी ये हो सकता है। तमाम नौजवानों से अपील है कि प्लीज़ अपने सपोर्ट्स की तरफ ध्यान दें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और अपने माँ बाप का नाम रोशन की। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। कल से यहाँ पर जो है अंडर 19 एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है, और जो भी इस क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होना चाहें हम डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे देंगे, आप नंबर नंबरात पर रब्ता कर सकते हैं और इस अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इस वक्त नौजवान ड्रग्स में मुलव्वस हो रहे हैं और ड्रग्स को छोड़कर अगर आप स्पोर्ट्स में हिस्सा लें तो आपकी जान भी जो है वो सही सलामत रह सकती है और आप तंदुरुस्त भी रह सकते हैं।